गाइस वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज का ब्लॉग काफी खास होने वाला है। हम लोग जा रहे हैं डुअर्स मेला घूमने के लिए, मैं और मेरा भाई। मेरा वो रेडी हो रहा है, अब मैं रेडी हो चुका हूँ। तो हम लोग यहाँ से निकलेंगे अभी और डुअर्स मेला घूमेंगे। और वहाँ पे आज एक खास मेहमान भी आने वाले हैं, सबको आप लोग जानते ही हैं उन्हें, बट वहाँ पे जाके उनसे मिलवाते हैं ना, मिल तो नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल होता है मिलना। उन्हें दिखाएंगे, अगर हुआ तो मिल भी लेंगे उनसे। तो यहाँ से भी निकलते हैं और बहुत लेट हो गया है, हम लोग 6 बज रहा है करीब। अभी यहाँ से भी हम लोग गाड़ी पकड़ेंगे और यहाँ से चलेंगे। दिन में एक और ब्लॉग बनाने के चक्कर में हम लोग का लेट हो गया है, तो अभी यहाँ से गाड़ी मिलता है फटाफट, गाड़ी पकड़ते हैं हम लोग और वहाँ डुअर्स मेला पहुँचते हैं। फिर आप लोग को मेला भी दिखाएंगे और जो वहाँ के होस्ट है, गेस्ट जो आए हुए हैं, उन्हें उनसे भी मिलवाते हैं। तो चलते हैं यहाँ से। गाइस हम लोग अभी फाइनली अलीपुर पहुंच गए हैं। यहाँ से अभी जा रहे हैं रोनित के बुआ के घर, जहाँ पे हम लोग अभी वो बैग रखेंगे, बैग रख कर फिर वहाँ से निकलेंगे। फ्रेंड लोग भी आ रहे हैं कुछ, उन लोगों के साथ जाना है फिर मेला, डुअर्स मेला। और वहाँ पे पहले मेला घूमेंगे, फिर वहाँ के जो न्यू होस्ट आ रहे हैं वहाँ पे, जो सबसे मिलने के लिए, वो एक सिंगर, इतना तो बता सकता हूँ वो सिंगर है। वहाँ पे जाके देखते हैं है कौन। आप लोगों को पता है, आप मतलब ऑलमोस्ट लोगों को जो यहाँ नॉर्मल जो ब्लॉग देखते हैं उन लोगों को तो पता होगा, और पता नहीं मेरा ब्लॉग बाहर जाता है कि नहीं। और बाहर के जो लोग, भाई लोग जाता है, उन लोग को वहाँ पे जाके ही पता चल जाएगा कि यहाँ कौन है। तो यहाँ से पहले चलते हैं बुआ के घर, वहाँ बैग रख देंगे, वहाँ से फिर बैग रख के फिर वहाँ से निकलेंगे फिर लोग के साथ मेला के लिए। तो पहले जाते हैं बुआ के घर। तो गाइस हम लोग वहाँ पे वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा था, तो मैंने बैग वहाँ दे दिया और बैग देख के हम लोग निकल गए हैं मेला जाने के लिए। तो अभी यहाँ से निकलेंगे, मिला जाएंगे। बैग वहाँ पे रखना पड़ा क्योंकि बैग में जैकेट था। तो मम्मी, आप लोगों को तो पता ही है, इंडियन मम्मी लोग बिना जैकेट लेके जाने नहीं देता, और आप लोग जैकेट लेके भी आए तो क्या पहन के जाएंगे ही नहीं। तो अभी यहाँ से हम लोग अभी दोस्त लोग से मिलेंगे, कुछ दोस्त लोग हैं, चलते हैं वहाँ से मिलते हैं, फिर वहाँ से फिर मेला जाएंगे। तो मेला घूमते हैं, उसके बाद जो सिंगर आने वाले हैं उनका प्रोग्राम होगा। 12 तो बज ही जाएगा, उतना बड़ा ब्लॉग क्यों करूँगा। तो मैं छोटा छोटा क्लिप शॉर्ट में दिखाते रहूँगा। तो यहाँ से भी चलते हैं मेला, बट ठंडा बहुत लग रहा है, ऐसे भी चलते हैं यहाँ से मेला के लिए। तो गाइस यहाँ से मेला दिख रहा होगा, गाइस बहुत ज़्यादा भीड़ भी है। हम लोग पहुँच ही चुके हैं, ये कोट मार्ट है जहाँ पे मेला लगा हुआ है। तो यहाँ से भी हम लोग मेला में एंटर करेंगे। बहुत ज़्यादा भीड़ लग रहा है देख के। तो यहाँ पे पुलिस भी है, कुछ लफड़ा उफड़ा होने से। Oh, 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 oh
राइड करने वाले हैं ये बड़े वाले झूले पे। इतना बड़ा है कि कैमरा में भी नहीं आ रहा है। हम लोग अभी सारे फ्रेंड के साथ यहाँ पे राइड करेंगे ये बड़े वाले झूले में। बट मुझे बहुत डर लगता है, तो हालत खराब तो होगा ही, बट जाएंगे जरूर, क्योंकि ऊपर से नीचे का व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा दिखेगा, इसलिए ऊपर यहाँ पे जाना है। डर तो लगता है मुझे भी, और इतना बड़ा है कि कैमरे में भी नहीं आ रहा है, बट जाना है। देखते तो बहुत डर लग रहा है, अभी हम लोग का बारी आ गया, हम लोग काम की लग गए। हम लोग थोड़ा सा ऊपर ही आया है, तो हम लोग का झूला पूरा हिल रहा है, और थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है। धीरे धीरे ऊपर जाते जा रहे हैं। यहाँ से गाइस पूरा मेला दिख रहा है, ये रहा पूरा मेला है, यहाँ से इतना शानदार दिख रहा है। तो गाइस ये पूरा टॉप में जाने वाला है, तो गाइस बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। यहाँ पे गाइस देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है, कितना ज़्यादा टोटल दिखाई दे रहा है यहाँ से। ये देखिए इधर में कोर्ट मार्च है, यहाँ पे एनसीसी होता है इस साइड में, और यहाँ से टोटल ये पूरा मार्च में मेला लगा हुआ है। इस साइड से मैं कवर कर रहा हूँ टोटल, देख सकते हैं टोटल। अभी हम लोग टॉप में जा रहे हैं, तो थोड़ा डर भी लग रहा है गाइस। अभी टॉप पे हम लोग को ना रोक दे वरना फट जाएगी। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ का व्यू कितना शानदार दिख रहा है, ये पूरा मेला का व्यू। अभी दो खाली था, तो दो में बैठ जाएंगे, उसके बाद ये पूरा स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट हो गया है टोटल, और ये अभी हुआ ओपन स्टेज। अब गया गाइस, ये पूरा स्पीड होने वाला है, डर लग रहा है। अरे भाई अभी झूला रुका है, और आप हालत देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि ठंड के हाथ में आ गया, ये हम रात से मिल के आ रहे हैं, ऐसा थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है। तो अभी सबसे ऊपर अभी पहुंचने का बाकी है, अभी हम लोग को यहाँ पे रुका गया है, तो सबसे ऊपर अभी पहुंचेंगे, वहाँ से पूरा व्यू लेंगे। और अभी झूला धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अभी झूला का राइड खत्म हो चुका है, बट रोक दिया गया है, धीरे धीरे करके मेंबर को डाला जा रहा है। अभी सबसे ऊपर में जाके हम लोग को रोकेगा, फिर पूरा व्यू दिखाते हैं एक बार और शांति से रुक के, कि रुकता है तो मेरा कितना टाइम मिलता है व्यू दिखाने का। और लाइटिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, तो भाई कुछ ज़्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी। और अभी यहाँ पे इनका सीन होना है, तो मतलब अभी ऊपर जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। और टोनिक भाई का हालत खराब हो गया था, बीच में रोने जैसा हो गया था, तो कोई बात नहीं है, मैं क्लिप में आप लोगों को दिखाऊंगा वो कैसे रो रहे थे। तो अभी मैं यहाँ से व्यू दिखाता हूँ सबसे ऊपर से, गाइस यहाँ से देखिए व्यू कैसा है टोटल सबसे ऊपर से। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, और जिस होस्ट से हम लोग मिलने के लिए आए थे, हम लोग को पता ही नहीं चला कि वो कब स्टेज पे गए हैं, तो अभी वो स्टेज पे जा रहे हैं, हम लोग अभी इधर से जा रहे हैं वहाँ पे। Oh, Gandhi Ba.
तो गाइस मैं फाइनली अभी घर पे पहुंच चुका हूँ और नींद भी आ रहा है, रात के 12 बज रहे हैं और आप लोग को वीडियो में तो पता चल ही जाएगा देख के कि कौन सा होस्ट आया हुआ था। मैं ऐसे बोल सकता हूँ मीका सिंह गाया हुआ था। वैसे उसने गाना तो अच्छा ही गाया, कुछ कुछ खराब गाया जिसमें पूरा मूड ऑफ हो गया था, उसको बहुत सारा गाली भी पड़ा, बट दिल का बहुत अच्छा था। वहाँ पे एक बच्ची रो रही थी तो उसको उसने स्टेज पे भी लिया, उसके साथ गाना भी गाया, उसका फेवरेट गाना भी गाया, उसके साथ डांस भी किया, मतलब बहुत अच्छा था, दिल का अच्छा था। ऐसे बोले कि बच्चा के लिए करना ऐसा बहुत बड़ा बात होता है, तो ऐसे तो मुझे भी इंजॉय हुआ बहुत ज़्यादा, बट बहुत काफ़ी भीड़ वजह से मैं अच्छे से क्लिप नहीं ले पाया क्योंकि मेन प्रॉब्लम हो गया कि पहले भूख लगा हुआ था, फिर हम लोग खाना खाने चले गए थे और वो आके गाना भी गा लिया, जो उसका फेवरेट ट्रेंडिंग गाना चल रहा था ना सावन में लग गया ऐसा करके, वो गाना गाया वो, हम लोग को पता भी नहीं चला, मतलब कि बहुत ज़्यादा भीड़ की वजह से और साउंड भी उतना नहीं था और प्रॉब्लम थी कि वहाँ जैमर लगा हुआ था और जैमर की वजह से जाम पड़ गया था वहाँ पे। तो फिर बाद में हम लोग को एक फ्रेंड है तो उसने कॉल किया कि आके गाना भी गा लिया तू लोग कहाँ है, कॉल तो कैसे ना कैसे लगा, फिर भी थोड़ा झिलमिल झिलमिल करके आवाज़ आ रहा था, तो उसकी वजह से थोड़ा पता चला। हम लोग दौड़ के आए सबसे पीछे में, तो सबसे पीछे में वहाँ से फिर भी जूम करके किए कि जितना अच्छा पाए आया। फिर एक फ्रेंड है तो उसके फ़ोन से भी कुछ किया तो उससे क्लिप ले लेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे सोने जा रहे हैं और ब्लॉग को यहाँ पे एंड तो नहीं करेंगे, सुबह फिर मिलते हैं तो यहाँ पे सोते हैं। फिर यहाँ से अभी तो घर पे नहीं है, अलीपुर आए हुए हैं तो फ्रेंड के घर पे सो रहे हैं, फिर आप लोग से सुबह मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। सो अभी उठ चुके हैं और यहाँ से अभी घर के लिए निकलना है और आज मकर संक्रांति भी है तो आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। और अभी यहाँ से हम लोग घर के लिए निकलेंगे, एक बस आने वाला है तो उस बस पे बैठ के जाएंगे और वहाँ अभी पहले बस पकड़ लेते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं और घर पहुँच के आप लोग से बात करेंगे, तो चलते हैं यहाँ से। सो फाइनली गाइस मैं अभी घर पे पहुँच चुका हूँ और अभी जस्ट मैं घर पे आया, जस्ट अभी 1 बज रहा है, मतलब सुबह हम लोग बहुत लेट से उठे, 9 बजे जैसे उठे, फिर वहाँ से एक फ्रेंड के घर भी चले गए थे, वो मैं दिखा नहीं पाया, बहुत भीड़ था मतलब उस टाइम, और बस पकड़ा तो बस भी नहीं दिखा पाया, मैं बस स्टैंड पे था जिस पे मैंने क्लिप बनाया था। वहाँ से फिर घर पे अभी जस्ट आया तो पहले तो अभी मैं अपना मतलब हद से ज़्यादा थक चुका हूँ, अभी जाके फ्रेश होऊंगा, फिर खाना भी खाना बहुत जैसे भूख भी लगा है। तो बोला था कि ब्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ और शानदार भी था, फर्स्ट टाइम मैंने मीका सिंह को अपने आँखों से सामने सामने देखा, सामने से थोड़ा दूर पे था, बट बवाल जिंदगी में तो ऐसा हो मतलब बोलना पड़ेगा, बट स्ट्रगल भी उसने बहुत ज़्यादा किया था। असल से स्ट्रगल अगर कोई भी इंसान अगर इस तरह की पे पहुँचता है तो स्ट्रगल उसके पीछे बहुत ज़्यादा रहता है, लोग वो नहीं देखते हैं, देखते हैं कि बंदा ये कर रहा है वो कर रहा है, बट उसका स्ट्रगल बहुत ज़्यादा था और उस वजह से वो उस मुकाम पर पहुँचा था। बट उसने उसका लाइफ स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा, अगर लाइफ स्टाइल हो तो वैसा होना चाहिए, सब कुछ शानदार था। बट अगर गाइस ये ब्लॉग अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं, मैं बहुत थक चुका हूँ। और ऑलराइट, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब मतलब जरूर करें, तो जरूर करें भाई को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। One, two, three.